नमस्कार, मैं कोपल हालन, स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। रंगों के त्योहार के तौर पर मशहूर होली हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वहीं इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो होली अधिकतर मार्च के महीने में मनाई जाती है, हालांकि कई बार फरवरी और अप्रैल के महीने में भी होली पड़ जाती है। होली शब्द होला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नई और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। पानी के गुब्बारों और पिचकारी से बहुत पहले से ही होली खेलने का चलन चला आ रहा है। बहुत पहले होली केवल हिंदू धर्म का त्योहार था, लेकिन अब ये दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। होली का जिक्र बिना श्री कृष्ण के अधूरा है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज में 16 दिन पहले से ही हर साल होली मनाई जाने लगती है। बरसाना की लठमार होली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसमें महिलाएं मोटी बांस की लाठियों से पुरुषों को मारती हैं और बचाव में पुरुष उन पर पानी डालते हैं। अगर पुरुष अपने आप को नहीं बचा पाते हैं तो महिलाएं उन्हें अपनी तरह से साड़ी पहनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से ऐसे ही हार मान लेते थे और उन्हें भी साड़ी पहनकर नाचना पड़ता था। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार होली से हिरण्यकश्यप की कहानी जुड़ी है। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए ताकत पाने के लिए उसने सालों तक प्रार्थना की। आखिरकार उसे वरदान मिला। ब्रह्मा देव ने हिरण्यकश्यप को यह वरदान दिया था कि उसे ना नर मार पाएगा, ना ही जानवर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना दिन में, ना रात में, ना ही घर में और ना ही बाहर। लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा ना करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गए, पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए ही सब साथ मिलकर इस रस्म को मनाते हैं, जिसमें होलिका के अलाप को जलाया जाता है। नाचने गाने के साथ सभी बुरी आदतें और बुरी शक्तियों को होलिका के साथ जला दिया जाता है और अच्छी आदतों से अपने जीवन की नई उपलब्धियों का स्वागत किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की होली 18 मार्च यानी कि शुक्रवार को, जबकि होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाएगा जो कि 17 मार्च को। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार से रंग दो दुनिया सारी, ये रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंग भरी।